चलिए इसी बीच बात करते हैं भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर की, जहां विमान सेवाएं बढ़ाने के लिए सरकार पहल करने वाली है। ईंधन पर टैक्स कम करने की कवायद की जाएगी। बता दें कि अभी ईंधन प्रदेश सरकार 25% टैक्स लेती है, लेकिन अब इसे कम करने की कवायद की जाएगी। अब प्रदेश सरकार 4% इस पर टैक्स लेने की तैयारी कर रही है। तो बता दें कि भोपाल में विमान सेवाएं बढ़ाने के लिए राज्य सरकार अब एयर टरबाइन फ्यूल ATF पर वैट कम करने जा रही है। वर्तमान में ग्वालियर को छोड़कर पूरे प्रदेश में ATF पर 25% वैट लगता है। राज्य सरकार भोपाल में ग्वालियर की तरह ही 4% वैट करने जा रही है। ये कवायद केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप पुरी की सलाह पर की जा रही है। अपर मुख्य सचिव ICP केशरी ने बताया कि विमानन विभाग से प्रस्ताव मिला, इसे जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। हालांकि 2017 में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में ATF पर वैट 4% करने का प्रयोग हो चुका है, लेकिन फायदा नहीं हुआ था। तो जबलपुर में पर्याप्त ट्रैफिक होने से ATF पर 25% वैट ही रहेगा। रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए जल्द भोपाल से रीवा के लिए विमान सेवाएं भी शुरू हो सकती है। इंडिगो ने इसके लिए रुचि भी दिखाई है। मंत्री PC शर्मा ने बताया कि 2 दिन पहले 7 राज्यों के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने रीजनल एयर कनेक्टिविटी को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस की थी। इसमें कहा था कि जिन राज्यों में ATF का वैट 5% से कम है, वहां एयर ट्रैफिक बेहतर होगा। भोपाल में एयर कनेक्टिविटी अच्छी चाहते हैं तो वैट कम करना होगा। अब इसके लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। ईंधन पर वैट 25% से 4% करने की तैयारी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी हितेन शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हितेन जी, विमान सेवाएं बढ़ाने के लिए सरकार वैट कम करने वाली है ईंधन पर, क्या कुछ जानकारी है? देखिए दीपाली, चूंकि मध्य प्रदेश में 25% वैट जो है वो एविएशन फ्यूल पर लगता है और ये एक बड़ा भार है, जो जो कंपनियां हैं उन पे एक बड़ा भार होता है। तो इसकी वजह से कहीं सरकार को भी अब ये लगने लगा है कि इसकी वजह से प्रदेश में जो विमान सेवाएं हैं उस पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि अगर इस टैक्स में कमी कर दी जाएगी तो जो कंपनियों के खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे और उसका लाभ कंपनियों को अगर मिलेगा तो उसका लाभ यात्रियों को भी मिलेगा और माल ढुलाई में भी मिलेगा। और पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से मध्य प्रदेश में एविएशन सर्विस में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, जिस तरह से इंदौर और भोपाल को कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट बना दिया गया है, जिससे अब सीधी इंटरनेशनल सेवाएं यहां से सीधी मिल सकेंगी, जो इंदौर से तो चूंकि शुरू भी हो चुकी है इस तरह की सेवाएं, तो उसका एक बड़ा लाभ प्रदेश को मिलने वाला है। और मुझे लगता है कि सरकार इसीलिए इस कवायद में जुड़ गई है क्योंकि भोपाल में भी कार्गो सेवा शुरू होने वाली है, तो सीधा माल ढुलाई अब भोपाल से शुरू होगी। लेकिन क्योंकि जो कंपनियां हैं, जो विमानन कंपनियां हैं, उन पर फ्यूल सरचार्ज का जो भार था वो काफी ज्यादा था, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार 25% वैट जो है वो फ्यूल ईंधन पर लगाती है। तो ये माना जा रहा है कि सरकार ने ये तय कर लिया है कि आने वाली जो कैबिनेट की बैठक है उसमें ये जो वैट है ये 4% कम कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है एक बड़ी राहत इन कंपनियों को मिलेगी, क्योंकि जो फ्यूल चार्ज अभी 25% है उसमें सीधा सीधा 21% का जो घटोत्तरी है वो हो जाएगी और इसका लाभ जब कंपनियों को मिलेगा तो उसका लाभ प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। साथ ही जो प्रदेश में जो छोटे शहरों को जोड़ने जो एयर कनेक्टिविटी है वो भी उसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जिस तरह से छोटी जो एयर टैक्सी सेवा थी वो बीच में कई बार शुरू हुई है, लेकिन जो न तो उनको उतनी मिल पाते हैं पैसेंजर मिल पाते हैं और चूंकि उनके खर्चे काफी ज्यादा हो जाते हैं फ्यूल से लेकर के बाकी, तो वो इस वजह से पीछे हट जाती है। लेकिन जब फ्यूल चार्ज में कमी होगी और सरकार जिस तरह के कदम प्रदेश सरकार उठा रही है, अगर उन और इस तरह के कदम उठाती रहेगी तो मुझे लगता है कि प्रदेश में जो विमानन सेवाएं हैं उनमें बढ़ोतरी होगी और उसका लाभ सीधे तौर पर आम आदमी को मिल सकेगा, क्योंकि जब आम आदमी के समय की बचत होगी और आम आदमी को कम पैसे देकर के हवाई सेवा का मौका मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं उसका वो भी लाभ उठाएगा और कंपनियां भी उसका लाभ उठाएंगी। दीपाली, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हितेन जी। तो बता दें कि
ईंधन पर टैक्स कम करने की कवायद प्रदेश सरकार कर रही है। 25% की जगह अब 4% टैक्स लिया जाएगा। इसे लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव भी आएगा और जल्द ही इसे मंजूरी भी मिल जाएगी। विमान सेवाएं बढ़ाने के लिए कवायद की जा रही है।